तो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अथॉरिटीज कहाँ है ऐसे बताइए, क्या जांच की गई, कहाँ से हैं आप? सीएमओ गोटेगांव निवेदन करी सर जी एडिशनल चार्ज, सीएमओ गोटेगांव, आप सीएमओ बताइएगा क्या एडिशनल जांच चार्ज इन द है? है नर्सिंग होम, पर एडिशनल चार्ज इन द उससे नर्सिंग हमें मतलब नहीं है, तो सरकार ने बनाया ना एडिशनल चार्ज। जी अभी बताइएगा, नरसिंहपुर का मैटर है ना ये, या लड़की क्या जांच हुई थी आपकी इस बिल्डिंग के बारे में? सर, इसमें सर नस्ती का सर हम लोगों ने देखा क्या तो देखा सर था? नोट शीट सर हम लोगों ने माइक का इस्तेमाल करिए, आगे आ जाइए। सर नस्ती सर कल आई सर देखी थी जी सर, इसमें सर नस्ती में लिखा हुआ है जी सर, नगर पालिका परिषद के क्षेत्रांतर्गत सर जर्जर मकानों का सर्वे सर स्थल निरीक्षण किया गया था, जिसमें जी सर संयुक्त टीम थी नगर पालिका की, राजस्व की, तहसीलदार की और आरई व पटवारी की। किस प्रावधान में, कानून के किस प्रावधान में ये टीम गठित की गई थी? सर आर्टिकल 221 में सर जर्जर आर्टिकल टू मकानों ट्वेंटी के, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 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 आर्टिकल बता रही है मैडम। सॉरी हाँ सर म्यूनिसिपलिटीज एक्ट, दीजिएगा, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट दीजिएगा। तो टीम कहाँ लिखा है इसमें कि राजस्व अधिकारी की टीम रहेगी? सर ज्वाइंट सर्वे सर एक साथ हो गया था जी फिर क्या नहीं हुआ सर, उस ज्वाइंट सर्वे में फिर? उसके बाद सर पीछे सर इसमें 53 मकानों की लिस्ट लगी हुई है सर, हाँ जिनको जीर्ण शीर्ण माना गया है हाँ किस आधार पे माना गया, वही तो पूछ रहे हैं आपसे। सर ज्वाइंट सर्वे के। आंखों से देख के आपको मालूम पड़ जाता है कौन सा जीर्ण शीर्ण है? कुछ तो एक्सपर्ट की रिपोर्ट होगी ना इसमें। इस टीम में थे आपके सिटी प्लानर, थे आर्किटेक्ट, थे सिविल सिटी इंजीनियर थे, बताइए ना इस टीम में कौन कौन था? सर तत्कालीन एई के सर इसमें एई हस्ताक्षर, क्या होता है? असिस्टेंट इंजीनियर टू द हाँ म्यूनिसिपलिटीज अच्छा, क्या कहा उन्होंने, क्या क्या जांच की? अरे सर, पीछे सर 53 मकानों की लिस्ट लगी हुई वो तो लिस्ट तो लग गई मैडम, है ठीक सर, है लिस्ट तो जिसको आपने चाहा उसको लगा दिया। जांच करने के क्या पैरामीटर्स हैं? और फिर 221 में आपने नोटिस कब दिया? 221 में यू आर रिक्वायर्ड टू इशू नोटिस टू द ऑक्यूपायर, पढ़ाए ना आपने 221 की? नहीं पढ़ा। हाँ जी सर 221 में नोटिस कब दिया आपने किसको? नोटिस बात सर लक्ष्य पे 27/5/2017 अंदर टू द नेमली कामता पांडे लक्ष्य 27/2000। 27/5/2017 में हाँ कामता पांडे कौन है ये सर? मैं उनके लिए हैं लैंडलॉर्ड है लॉर्डशिप, लैंडलॉर्ड है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इसको नोटिस दिया आपने, लेटर ठीक है। इसमें नोटिस किसको दिया हुआ बताना, बताया है वाइड डेंजर इतना इतना पुट अप इशू एंड नोटिस टू द ओनर और ऑक्यूपायर टू पुट अप इतना, द काउंसिल शैल कॉज नोटिस इन राइटिंग टू बी गिवन टू द ओनर और ऑक्यूपायर, फिर द ओनर ऑफ फोर टेक डाउन, फिर कब हुआ उसके बाद क्या हुआ? ये किस प्रोविजन में नोटिस दिया आपने, अंडर द म्यूनिसिपलिटी जैसे किस प्रोविजन में? म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट समझ गए, 221 एक में दिया, दो में दिया, सी फ्री ट्वेंटी में नोटिस वन पाई आपका अंडर सेक्शन 221 ब्रैकेट में 3 ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट। दर्शन फिर आपने कब उसको गिराया बिल्डिंग को? अभी गिरी नहीं 2017 के दे बाद। आर तो वाज फॉर नॉट योर फेलियर टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द, हाउ कैन ए सब रेवेन्यू ऑफिसर पास एन ऑर्डर अंडर द गार्ब ऑफ सेक्शन 133 सीआरपीसी? और बताइएगा ना आपके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाए इसमें कि यू हैव नॉट, इन केस ऑफ इमिनेंट डेंजर द काउंसिल शैल हैव पावर विदाउट गिविंग नोटिस टू डिमोलिश सच पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग। व्हेन डिड यू डिमोलिश इट? फ्रॉम 2017। एंड व्हाई यू वर हैंड इन ग्लोव विद द ओनर एंड द ऑक्यूपायर? 2013 में पहला नोटिस है चलिए होगा 2013 में होगा नोटिस, चलिए आपकी बात लिख लेते हैं 2013 में। फिर आपने क्या नोटिस दिया इन लोगों को, टेनेंट्स को? लॉर्डशिप, हमें तो 2017 में जब और पहली 13 बार में पहला नोटिस है ना आपको, तो आप ही ने तो बताया बीच में कि 2013। एफिडेविट लॉर्डशिप फ्रॉम द एफिडेविट फाइल्ड बाय टेनेंट्स हु आर पिटिशनर हियर, दे हैव एडमिटेड दैट द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इज इन डिलैपिडेटेड कंडीशन कहाँ है वो एंड एफिडेविट? एनेक्शन पी 2013 के नोटिस की डेट कहाँ से आई है मुझे ये बताइए। एफिडेविट सर लॉर्डशिप, हाँ पेज नंबर ये पेज नंबर 29 लॉर्डशिप 29 ऑफ द और माय पिटीशन, रिटर्न लॉर्डशिप
आपका रिटर्न लॉर्डशिप एनेक्शन 8 लॉर्डशिप, एक क्षण रुक जाइए, देखते हैं आपका रिटर्न भी देखते हैं। पेज नंबर 29, इन्होंने म्यूनिसिपलिटी नरसिंहपुर के सीईओ को दिया लॉर्डशिप। अच्छा देखते हैं, चलिए। एंड दे हैव एडमिटेड दैट द बिल्डिंग इज इन डिलैपिडेटेड कंडीशन। पढ़िएगा पढ़िएगा, आई शुड रीड लॉर्डशिप। हाँ, समक्ष नोटरी नरसिंहपुर, पेश हेतु मुख्य न्याय नगर पालिका अधिकारी नरसिंहपुर सोनाबाई जैन ए स्वेंसो, मैं शपथ पूर्वक सत्य निष्ठा पूर्वक कथन करती हूँ यह कि शपथकर्ता गांधी वार्ड कंदेली तहसील जिला नरसिंहपुर की स्थायी निवासी है, यह कि कामता प्रसाद पांडे आत्मश्री नर्मदा प्रसाद पांडे का मकान गांधी वार्ड कंदेली नरसिंहपुर में स्थित है, जो पुराना जर्जर है। Specific reply that no such affidavit has been given. He is relying on that affidavit which we have denied. ये तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिया है आप। हम हमने deny किया in reply of the SDM that no. आपके record में है ये affidavit? No, no. छह affidavit ऐसे हैं lordship। अच्छा। Not one। हाँ। इन्होंने इसी base पे CMO नरसिंहपुर से claim किया lordship। तो ये हमें नरसिंहपुर आपको दिए थे affidavit कि इनको CMO को दिए थे? CMO को दिया था। CMO की file से दिखाएँ ना। CMO मैडम तो खड़ी है ना सामने। देख उस फाइल से दिखा दें ये affidavit कि उन्होंने दिए थे। जब आपके पास कॉपी है तो सीएमओ के पास तो होगी ही, होना चाहिए। अनलेस आपने उसमें से निकाल लिए फाइल। समथिंग इज फेवरिंग मी बाय टुडे। भाई बताइए कहां है वो एफिडेविट? इन द माय रिकॉर्ड इट इज नॉट। तो फिर ये जवाब कैसे आ गया? फर्दर लॉर्डशिप इन्होंने 18/1/13 को नोटिस दिया, एफिडेविट दिया लॉर्ड। वन एफिडेविट इज हियर। किसका है बताइए? नहीं नहीं आपकी फाइल नहीं देखेंगे इस तरीके से वकील साहब। लॉर्डशिप वन एफिडेविट इज हियर लॉर्डशिप 13/6/2017 का एफिडेविट ही तो है ये जो इन्होंने बता रहे हैं। लॉर्डशिप हाँ दिखाइए कहाँ है आपके रिकॉर्ड में। इनकी फोटोकॉपी है वो जो इनने लगाई है केस में। ओरिजिनल होगा ना? नहीं होगा ओरिजिनल। आपके अंगूठा निशानी की जांच करवा देंगे फिर। तो डेथ हो चुकी है बहुत पहले, हमने रिप्लाई किया। नहीं डेथ डेथ मालोट कैन हैव द पावर्स टू डू दैट। हियर द केस इज दैट मालोट अंडर वन दे हैव व्हेन वी वर आई वाज आर्गुइंग ऑन द पॉइंट दैट 221 हैज नॉट बीन फॉलोड, दे कम विद द एफिडेविट and reply that no this proceed under 133। so ye jo notice hai 2017 ka, ye this is the annexure 27/5/17 ka notice is the annexure। next year it is annexure lordship at page 22 lordship of my return of your return lordship page 22। सर कलेक्टर और जो डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग भोपाल के उसमें ज्वाइंट उसमें सर्वे हुआ, सर्वे के बाद दे सर्वड अस नोटिस कि 3 दिन के अंदर आप मकान डिमोलिश करिए, ये 2017 में। बिफोर दैट आई वाज नॉट इन पिक्चर लॉर्डशिप, लैंडलॉर्ड वाज नॉट एट ऑल पिक्चर फ्रॉम 13 to 17, सो 13 to 19 इट इज नॉट दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज वर्किंग ऑन आवर बिहेस्ट लॉर्डशिप, इट इज द कलेक्टर्स नोट डायरेक्शन। That's why the team of Tehsildar and SDM was formed, Lordship. And it is their admission that इन्होंने इसके बदले में सर 2 मकान भी लिए, ये कहते हुए कि मकान जर्जर है और 10 दिन का हमें समय दिया जाए खाली करने के लिए। It is none of their case that house is not in dilapidated condition. पढ़िएगा अगला पेज, पढ़िएगा जरा पेज 23 पढ़िएगा। अनुभागीय अधिकारी क्या लिख रहे हैं प्रकरण दर्ज करके? आवेदक कामता प्रसाद पांडे सजन सच के द्वारा आवेदक अनावेदक दीपक ब्रजेश की मां सोनाबाई जैन से अपनी खानदानी पैतृक जर्जर मकान पुराना सजन सच नरसिंहपुर श्याम टाकिज के पास स्थित खपड़े वालीट खपड़ा डबल स्टोरी में लगभग 80 वर्ष से अधिक पुराना है। आवेदक कामता प्रसाद पांडे द्वारा बताया गया कि उक्त मकान उनके नाम से दर्ज है जो कि अनावेदक दीपक ब्रजेश से खाली करवाना चाहते हैं। उक्त के संबंध में आपके द्वारा आवेदक कामता प्रसाद पांडे निवासी गांधी वार्ड को पत्र क्रमांक सचिन सच के माध्यम से नगरी क्षेत्रों में खतरनाक भवन अथवा संरचना वर्षा ऋतु का प्रभाव संबंधी पत्र जारी किया गया था जिसमें जर्जर
की स्थिति में जानमाल होने रोके जाने संबंधी लेख किया गया था। अतः उक्त के संबंध में आवेदक कामता प्रसाद पांडे के मकान मौजा कंदेली में पुराना वार्ड सचन सच नरसिंहपुर स्थित मकान अनावेदक दीपक जैन ब्रजेश जैन से तत्काल खारिज कराया जावे, क्योंकि अनावेदक गण को दिनांक 17/9/2019 को समक्ष में समझाइश दी गई थी कि आप एक सप्ताह के भीतर मकान खाली कर इस न्यायालय को सूचित करें, परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक खाली मकान खाली नहीं। 133 के अंतर्गत ही एक्सरसाइजिंग पावर, तो ऐसा लग रहा है इसको पढ़ने से कि जो है मकान मालिक ने कहा कि हमारा मकान खाली करा दीजिए, ये खाली नहीं कर रहे हैं, ये आया ना इसमें उक्त मकान उनके नाम दर्ज है जो कि अनावेदक खाली करवाना चाहते हैं। सर ये हम तो आई केम इनटू पिक्चर व्हेन नोटिस वाज सर्व्ड, ठीक है, फ्रॉम द एसडीओ, ठीक, आई नेवर वेंट टू एसडीओ लॉर्डशिप, ठीक है, और उसके पहले 2013 में सर इनका एफिडेविट पढ़ लें, उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इसकी कॉपी तो आपको एंडोर्स्ड है कामता प्रसाद को, आप बोल रहे हैं आप यू नेवर केम इन पिक्चर। आई केम इन पिक्चर लॉर्डशिप आफ्टर दिस नोटिस वाज सर्वड बाय द सीएमओ नरसिंहपुर लॉर्डशिप, इट इज वाइड 25/5/2019। अच्छा, उसके पहले आई वाज नोवेयर इन पिक्चर लॉर्डशिप। अच्छा, 25/9/19 को ये एसडीओ साहब ने पत्र लिखा जी हमें कि आप 3 दिन के अंदर ये मकान जो है, मैं रीड लॉर्डशिप पेज 22 ऑफ माय रिटर्न लॉर्डशिप, आपकी अंडरटेकिंग फाइल कर दीजिए या रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आप जैसे खाली होगा इसको मकान को तोड़ के नया कंस्ट्रक्शन करेंगे, एंड दे विल हैव अ एंड इफ यू इंडक्ट एनी टेनेंट दे विल हैव द प्रेफरेंशियल राइट टू बी इंडक्टेड एज अ टेनेंट लॉर्डशिप, ठीक है भाई, लेकिन कोई लीगल राइट कोई इशू नहीं है सर। मैं काइंडली सी देयर इट वाज अ केस व्हिच दे हैव फाइल्ड ऑन 31/8/19, अगेन ही इज सेइंग दैट आफ्टर सितंबर ही हैज रिसीव द नोटिस, ही हिमसेल्फ हैज फाइल्ड द केस ऑन 31/8 बिफोर द एसडीओ, ठीक है, वो तो ठीक है भाई, बट मतलब मुद्दे की बात ये है कि मकान जर्जर है, इसका नोटिस ऑलरेडी म्युनिसिपैलिटी जारी कर चुकी है 2017 में, एंड वी हैव फाइल्ड द फोटोग्राफ्स दैट एंटायर रिपेयर हैज बीन मेड, वी हैव कंस्ट्रक्टेड द एंटायर बिल्डिंग प्रॉपर्ली, फोटोग्राफ्स आर ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड, वी विल नॉट गो इनटू अंडर व्हिच अथॉरिटी यू कैन कंस्ट्रक्ट इट, where is the building permit? Repair, my lord, we have mentioned that we have repaired the house. No, you cannot repair it. It's a two-room house, my lord. हाँ, ठीक है. तो you vacate it. He will demolish it, reconstruct it. And they have to proceed on the due process of law. They file a suit for eviction. नहीं. Under 133, my lord, they are our own High Court says that they cannot be done. बताइए कौन सा judgment? No, there are 4 judgments. I just pass on all the judgments. आपने एविक्शन का दावा कब लगाया इनके खिलाफ? सर, वी हैव नॉट फाइल एनी एविक्शन केस लॉर्डशिप, यू हैव टेकन अ शॉर्ट सर्किट, नॉट लॉर्डशिप, वी केम आफ्टर द नोटिस वाज सर्वड बाय द एसडीएम कि आप 3 दिन में करें अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, अदरवाइज वी वर नॉट देयर एट ऑल। नाउ डेमोंस्ट्रेट माय लॉर्ड, काइंडली सी द केस व्हिच हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस प्रोविजंस माय लॉर्ड, जी दे हैव रजिस्टर्ड दिस केस अंडर 121B एज पर लैंड रेवेन्यू माय लॉर्ड सर्कुलर 121B, the case number which has been registered by the revenue authority. 121B, yes. Now, as per the circular number 121, is the miscellaneous works of the SDM with the power can be exercised. Miscellaneous works. Land Revenue Code में पढ़ रहे हैं? नहीं, मतलब वो परिपत्र है राजस्व का. I will pass on this. आप दीजिएगा. तो 121 जो होता है वो इनका miscellaneous revenue authorities का work होता है. When we argue this matter, मालूम सो please to direct कि इस provision में आपने revenue में किस प्रावधान में किया? They file an affidavit. Saying no, we have done in 133 of CRPC. Turning their stand of 121B revenue ka, naye stand leke aaye on affidavit ki 133 mein kiya. So that's why I have supplied all these 4 judgments, Malot, that if they are giving an affidavit ki they have proceeded under 133 of CRPC. Malot, first submission is that the same issue was there, Malot. बताइए कौन से जजमेंट को रिफर कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मालोट अवर ओन हाई कोर्ट मालोट वीरेन कुमार महेश्वरी पैरा 14 मालोट It says for following the procedure of 133, 138 is very mandatory, my lord, para 14. After quoting these provisions, my lord, it starts with on reading of. जी
Malot, 8th line onwards, Malot, 9th line. For the purpose. Internal page 10. Yes, Malot. 10th line, Malot, for the purpose of passing. Just a minute. ऊपर से नीचे से ऊपर से सर एज इन ए समवन केस व्हाइल पासिंग एन ऑर्डर नीचे पढ़ रहे हैं एज इन समवन केस आप कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं वो पेज 10 पेज 10 पर ऊपर से 10वीं लाइन तो है व्हाइल पासिंग सच एन ऑर्डर 11 12 13 14 आप पहले आप गलत लाइन क्यों बता रहे हैं 14 For the purpose of passing such order under section 133 on receiving a report, the evidence is required to be taken as thought fit by the authority. In fact, it is an integral part and mandatory requirement of section 133 of Criminal Procedure Code. However, even for passing preliminary order, the procedure has to be followed. The procedure for summon case is specified in chapter 20 of the Code of Criminal Procedure under section 254 of Criminal Procedure Code. Thereby, magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced to support the prosecution allegation and also to hear the accused and take all such evidence as he produces in his defense in the present case. While passing preliminary order dated so-and-so, asking reply from petitioner, four reasons were specified for the closure of nursing home. It is also observed here that the prior to passing the order, annexure PC, the procedure as specified in the section 138 of Criminal Procedure Code has not been followed, although it is required to be followed mandatorily. In the facts of the present case, it is be further observed that the competent authority, while passing the final order 24410, annexure P1 has referred to the reply filed by the petitioner, and specified that the oral opportunity of hearing was allowed, but from the order it is not clear that an opportunity has been given either to the prosecution to prove the allegation so levied against the petitioner, affording an opportunity of cross-examination of the prosecution witness, and also not afforded an opportunity to the petitioner to lead evidence in defense, which is requirement of summary trial, so specified in section 254 of Criminal Procedure Code. Now, the second judgment, relying on the apex court, the Kerala High Court says, Devika Amma Malot. Yes. Kachrulal Bhaginath Agarwal has been relied, Malot, para 11, Malot, running page 3. Yes. Merit.